नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आखिरकार वो समय आ ही गया जब पवन सिंह और ज्योति सिंह के चाहने वालों के लिए बड़ी खबर और बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंह को चाहने वाले और ज्योति सिंह को चाहने वालों के लिए बड़ी खबर। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं। हम आपको कुछ दिन पहले ही खबर दिखाए थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की बैठक जो है वो लखनऊ में हो गई है, और हम आपको सबूत भी पेश किए थे कि बैठक में कौन कौन शामिल था। तो हम आपको बता दे कि जो लखनऊ में बैठक हुआ था, उस बैठक में पवन सिंह, दीपक सिंह, ज्योति सिंह, ज्योति सिंह के पिता और बबीता मिश्रा थे, और ये तमाम लोग बैठक करते हैं। बैठक में तमाम मुद्दों पर बात होती है और मामले को खत्म किया जाता है। और आज वो समय आ गया जब पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं। पवन सिंह इस बात की जानकारी देते हैं। जानकारी कहां पर देते हैं? वो अपने व्हाट्सएप डीपी लगाते हैं जिसमें ज्योति सिंह के साथ उनका फोटो दिखता है, और अपने डीपी के कैप्शन में लिखते हैं कि सब कुछ माफ, जिसके बाद ज्योति भी वही डीपी लगाती है और वो भी माफी मांगती है। और अब बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि दोनों पति पत्नी एक रिश्ते में फिर से आ गए हैं। जो विवाद कोर्ट में चल रहा था वो विवाद जो है कोर्ट के बाहर ही खत्म कर लिया गया है। अब पवन सिंह और ज्योति सिंह से जुड़ी हुई बड़ी खबर कि दोनों देर रात एक हो गए हैं। पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना लिए हैं, और ज्योति सिंह भी अपने मर्जी से और खुशी से पवन सिंह के साथ जा चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिसका खुद जानकारी पावर स्टार पवन सिंह देते हैं। जहां एक तरफ हम आपको बता दें कि बीना मानवी, वही बीना मानवी जो महिला विकास मंच की संस्थापक है, कोशिश करती थी कि पवन सिंह को मना लिया जाए, लेकिन वो विफल रहती है। बीना मानवी हार मान जाती है, और हार मानने का कारण होता है क्योंकि बीना मानवी का जैसा छवि है उसके छवि पर ज्योति सिंह विश्वास नहीं करती है, जिसके बाद ज्योति सिंह जो है वो अपनी बड़ी बहन यानी कि बबीता मिश्रा पर विश्वास ज्यादा करती है। बबीता मिश्रा को दीदी बताती है और उनके साथ में मिलकर अपना घर बसा ली है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिससे ये सब कुछ साफ हो जाएगा कि ये जो तस्वीर निकल कर सामने आई है वो कब की है। तो आपको पहले हम बबीता मिश्रा के साथ में जो ज्योति का रील 12 फरवरी को आया था, जो हमने आपको दिखाया भी था, उस में जो ज्योति कपड़ा पहनी हुई है उस कपड़े पर आप ध्यान दीजिए, वही कपड़ा ज्योति पहनी हुई है जो ब्लैक कलर का आपको उसमें सलवार सूट नजर आ रहा होगा जो ज्योति सिंह पहन के रखी है। और आज जो फोटो सामने आ रहा है, पवन सिंह जिस फोटो को सामने किए हैं उसमें भी ज्योति सिंह जो है वही ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है, जिसके बाद सब कुछ साफ हो जाता है कि ये तस्वीर जो है सिर्फ और सिर्फ लखनऊ बैठक की है, जब लखनऊ में बैठक हो रही थी जिसमें बबीता मिश्रा, ज्योति सिंह शामिल थे, पवन सिंह, दीपक सिंह शामिल थे। उस बैठक की तस्वीर को अब पवन सिंह अपने डीपी पे लगाए हैं और सब कुछ क्लियर कर दिए हैं कि पवन सिंह अब भी ज्योति सिंह से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे, और ज्योति सिंह भी पवन सिंह से उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। और इसमें सबसे अहम रोल या सबसे अहम भागीदारी मानी जाए दोनों को एक करवाने में, तो एक तरफ दीपक सिंह थे तो दूसरी तरफ बबीता मिश्रा, और दोनों ने मिल के पवन सिंह और ज्योति सिंह के जो टूटते हुए घर थे उसे एक करने का काम किया है। तो वहीं पर अब हम एक जवाब देने जा रहे हैं उन लोगों को, जो लोग कुछ दिन पहले तक कहते थे ज्योति सिंह को कि इनको तो कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो हम आपको बता दे कि ज्योति सिंह उस समय भी अपने माता पिता के घर पे थी, और उनके जो माता पिता थे, भाई थे, वो पूछ रहे थे, और अब तो उनके खुद पति ही उनको पूछ लिए हैं। कुत्ता पूछे ना पूछे, इससे ज्योति सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बबीता मिश्रा को फर्क पड़ता, क्योंकि उनके पति उन्हें पूछ रहे हैं, उनका परिवार उन्हें पूछ रहा है। और एक लड़की को क्या चाहिए, जब लड़की
शादी कर लेती है तो पति का हो जाती है और शादी से पहले माता पिता का रहती है, और अगर दोनों के बीच में कुछ खटास पैदा हो जाता है तब भी वो अपने माता पिता के घर की दहलीज को पसंद करती है, और वही ज्योति के साथ भी हुआ। तो इसमें जो चंद लोग थे जो ज्योति सिंह पर लालचन लगा रहे थे कि वो पैसे के लिए सब कुछ कर रही है, घर के लिए कर रही है, उन्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछने वाला है, तो अब तो उन्हें पवन सिंह की ओर से ही करारा थप्पड़ जड़ा गया है। क्योंकि पवन सिंह ही जब ज्योति सिंह को पूछ लिए तो और कोई पूछे ना पूछे क्या चाहिए। जी हाँ, आखिरकार वो शुभ घड़ी आ ही गई पवन सिंह और ज्योति सिंह के चाहने वालों के लिए, जब बड़ी खबर निकलकर सामने आई और दोनों एक हो गए, जिसमें अहम रोल में बबीता मिश्रा और दीपक सिंह थे, बाकी लोग तो कहां दूर छिटक गए पता भी नहीं चला। लेकिन बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि जो बैठक फरवरी में यानी कि 12 फरवरी को लखनऊ में हुई थी, अब उसका असर हो गया है और पवन सिंह ज्योति सिंह जो है एक हो गए हैं। हम आपको फिर से एक बार दोनों तस्वीर दिखा रहे हैं, एक तरफ पवन सिंह के साथ जो ज्योति सिंह की तस्वीर निकलकर सामने आई है वो तस्वीर देखिए, और दूसरी तरफ 12 फरवरी को ही जो बबीता मिश्रा रील बनाई थी ज्योति सिंह के साथ उस रील को देखिए। दोनों में आप ये देख सकते हैं कि जो कपड़ा ज्योति सिंह ने पहना है, जो ड्रेस कोड है ज्योति सिंह का, वो दोनों सेम है। यानी कि 12 फरवरी को लखनऊ में बैठक हुई थी, इसकी पुख्ता जानकारी हमने आपको दिया था और हम आपको फिर से पुख्ता जानकारी दे रहे हैं कि दोनों एक हो गए हैं। तमाम जो लोग हैं वो अभी भी कयास लगाए रहे हैं कि कहीं ये फोटो गलत तो नहीं है, कहीं ये फोटो गलत तरीके से बनाकर इसे पेस्ट तो नहीं किया गया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 12 फरवरी के रात को जो तस्वीर ली गई है वही तस्वीर है और दोनों एक हो गए हैं। और उनके चाहने वालों के लिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का घर अब बस चुका है, जो विवाद था वो विवाद खत्म हो चुका है। ऐसे में जब पवन सिंह और ज्योति सिंह बहुत जल्द पटना भी आने वाले हैं, मैं आपको इसका भी जानकारी दे दे कि बहुत जल्द पवन सिंह और ज्योति सिंह पटना आएंगे, पटना में उनकी जो बैठक होगी। अब बैठक क्या, आप तो सब कुछ खत्म हो गया है, पटना वो सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं, किसी से मिलने के लिए आ रहे हैं। जब उनसे उनका मुलाकात होगा तो हम आपको वो भी तस्वीर दिखाएंगे। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।